नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम मौजूद हैं फैजाबाद के टाटसा मस्जिद के कोठा पारचा के इलाके में। हम यहाँ जन की बात करने आए हैं, यहाँ के लोगों से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो इनके वोट को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए कोठा पारचा की जनता से जानते हैं उनके मन की बात कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में वो क्या फैसला सुनाने वाले हैं। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किया है, अबे बताइए, इतनी सुरक्षा और सब कुछ आर्मी के लिए व्यवस्था किया है। पहले आर्मी नहीं थी? पहले देखिए, देश की सुरक्षा है, ठीक है। अगर देश ही नहीं सही रहेगा तो ये बताइए आप, अगर देश ही नहीं रहेगा तो ये बताइए हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे। ये बताइए कि मोदी जी ने ऐसी क्या सुरक्षा की, जरा उसके बारे में बताइए। क्यों नहीं, आज चीन डरा है, ऐसे नहीं डरा है। चीन डरा हुआ? क्यों नहीं डरा हुआ? किसने कहा आपको? हमने कहा है, हम न्यूज देख रहे हैं, खुद देख। पता नहीं है चीन आपके यहाँ 5 किलो 10 किलोमीटर आगे आके बैठा हुआ? राहुल गांधी के शासन में हुआ था, आपको नहीं पता? गजब बात करते हैं क्या, गजब बात हम। अरे 20 भारतीय सैनिक जो मरे, अरे तो मोदी जी के शासन काल में मरे ना, वहाँ के कितने मरे ये भी तो बताइए। वहाँ के बहुत चार मरे या दो मरे? चार नहीं मिले, 40 मरे हैं 20 के बदले में। हाँ नहीं तो अगर मोदी जी ने सुरक्षा की, आप एक मतलब रहिए, अगर मोदी जी ने सुरक्षा किया तो 20 सैनिक कैसे मर गए? कैसे मर गए ये बताइए। अगर धोखा से आपको पीछे से कोई मार देगा तो आपको चोट तो जरूर लगेगी। भारतीय सेना तो कहती है आमने सामने लड़ाई में मारे गए। आमने सामने में कैसे लड़ाई में मारे गए, कौन बोला? भारतीय सैनिक बोला? बोल रहा हूँ, भारतीय सैनिक बोला है, बयान आया। बयान नहीं आया, सामने से कैसे वो मार देंगे? मीडिया में हमको पता है ना कि बयान, ऐसे कैसे आप बोल देंगे? क्या सुरक्षा की है बताइए मोदी जी? अच्छा क्यों नहीं किए हैं, 20 के बदले 40 मारे हैं। और मोदी जी ने ऐसा क्या बनाया, टेक्नोलॉजी क्या लेके जो देश के लिए कर रहे हैं, सब हथियार खरीद रहे हैं, बताइए वैसे नहीं ना आता है? हथियार जो जा रहा है उसी सब पैसे से आता है। ये मेड इन इंडिया की बात करते हैं, आप कह रहे हैं हथियार खरीद रहे हैं दूसरे देश से, अगर हथियार खरीद रहे हैं तो वो भी तो गलत काम हो रहा है। ये भी बात है ना, पहले हमारे घर पे आप विश्वास नहीं मानेंगे, लैट्रिन नहीं थी, सरकार के सुविधा से है, गैस नहीं था, उसने गैस हमारे घर पे दिया, झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ ये सब फ्री मिला है और आवास भी हमारे गांव में मिला है। तो बताइए जिसको गैस मिला वो कह रहा है ना कि हम गैस भरवा नहीं पा रहे हैं, कितना महंगा हो गया गैस। पहले मजदूरी 200 थी, आज के डेट में मजदूर आता है काम करने 400 रुपए लेता है, काम के हिसाब से उसको पैसा मिलता है, जैसे महंगाई वैसे खर्चा है, और वैसे काम भी आदमी कर रहा है। मतलब पहले 200 पे काम करता था, 500 मजदूरी लेता है, कमाई बढ़ी है, खर्चा भी बढ़ेगा। हाँ है ना, कमाई भी। ये बताइए कि जो तेल, सरसों का तेल, मतलब 50 रुपये 40 रुपये लीटर था, वो 200 रुपये लीटर हो गया तो सही है? नहीं नहीं, 170 रुपये लीटर है हमारे यहाँ, 200 रुपये नहीं है। 30 रुपये ज्यादा हम बता रहे हैं, ठीक है, मान लिया आप ही की बात, लेकिन ये सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही है? पहले तो हम 300 रुपये पे काम करते थे, लेकिन आज किस रेट में हमारा 600 रुपये है। ये बताइए कि पेट्रोल डीजल ये सब जो दाम बढ़ गए, इधर आए जाइए थोड़ा सा, इधर आपका चेहरा बढ़िया दिखेगा, सुंदर लगेगा। ये बताइए कि जो पेट्रोल डीजल के दाम इतने हो गए, ये सब मतलब लोग कह रहे हैं कि हम मर जा रहे हैं, त्राही माम कर रहा है। कोई नहीं मर रहा है, जो विपक्ष वाले है ना परेशान है। सीधी बात ये है, अखिलेश यादव को हारना है, एक मुद्दा उठाना है कि जनता को गुमराह करके, पेट्रोल 100 है, तेल 200 है, ये वो गुमराह करके, लेकिन योगी के अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा। गुमराह इसमें कैसे गुमराह कर रहा है लोग? नहीं ये बताइए, अगर 100 रुपए का पेट्रोल है, आदमी बेवजह जा नहीं रहा है, ठीक है, काम से ही जाता है, 100 रुपए का पेट्रोल भराया, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जा रहा है, तो ये बताइए वो फायदे से जा रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई फोकट का तो दौड़ नहीं रहा है? नहीं, बिना फोकट का, जब पेट्रोल सस्ता था तब भी कोई बिना फोकट का नहीं। देखो वो तो बात सही है आपकी, जैसे वो कोई काम से जा रहा है, ठीक है, वो वहाँ 500 रुपए का काम करने जा रहा है, अगर 100 रुपए 50 रुपए का तेल भरा लिया, और कोई बिजनेस वाला है कोई या छोटा मोटा आदमी है, लेकिन उसके लिए महंगाई नहीं है भैया, जैसे कमाई है वैसे खर्चा है आज के डेट में। हाँ रियल बात है। ये बताइए कि तो पहले भी तो ऐसे
ऐसे ही होता होगा क्या? हाँ क्या होता था पहले? गुंडागर्दी होता था दिन दहाड़े हमारे यहाँ। विश्वास संत कबीर नगर हमारा जिला है, ये जिले का हम नहीं है, हम यहाँ आए हैं अपने मतलब यहाँ रिश्तेदारी में। लेकिन वहाँ पे पहले जितना गुंडागर्दी होती थी अभी एक भी नहीं होता है कुछ भी। हाँ ये जो मोदी जी योगी जी बोलते हैं कि हमने सबको ठोक दिया या ठोक देने की बात करते हैं, अच्छा सही सही बात है, एकदम सही बात है। देखिए सही करना है, पहले जो गुंडागर्दी थी आज के डेट में नहीं है। ये सब जितने बड़े बड़े गुंडा अरेस्ट हुए हैं, किसी के हिम्मत थी किसी के सरकार में किसको अंदर कर दे? अतीक अहमद अंसारी बताइए, ये योगी का देन है कि आज के डेट में जेल में है? नहीं तो जनता परेशान थी उन लोग के वजह से। विरोधी पार्टी के सब लोग कहते हैं कि अब जो है बीजेपी के लोग गुंडाई कर रहे हैं। बीजेपी के लोग कहाँ कर रहे हैं आप बताइए? अरे हम कहाँ बताएं, के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, वो तो बोलेंगे क्योंकि वो विपक्ष में है। हाँ अब की बार छोड़िए सब बात, देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी ने क्या क्या लाया, क्या क्या लाया क्यों नहीं? अभी ये फ्रांस से आया क्या? नहीं, फ्रांस से राफेल आया, वो देश की सुरक्षा के लिए आया। प्लस वो तो कांग्रेस वाले करके गए थे। क्या करके गए थे? ये मोदी के शासन में इसने डील किया फिर मंगाया है काम। डील पहले से हो गया था, कांग्रेस ने आर्मी वालों को एकदम भिखारी बना दिया था। उसने क्या किया? उसी के शासन में वो सब कब्जा हुआ है। पाकिस्तान है वो चीन पे जो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चला गया ना, वो राहुल गांधी के शासन में गया था। हाँ अब परमाणु बम भी मोदी जी बनाए। परमाणु बम मोदी जी ने नहीं बनाया, बनाया था वो पहले क्या नाम है एक देश के वो थे क्या नाम है, अच्छा ही नाम है उनका मतलब हाँ मुस्लिम ही कोई था, डॉक्टर अब्दुल कलाम। हाँ 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 ये बनाया अब्दुल कलाम ने, वो मिसाइल ने बनाया। हाँ उनको हम मानते हैं, बहुत अच्छे आदमी थे और देश के लिए जो किए बहुत बढ़िया किए, बहुत बढ़िया मोदी जी से अच्छा काम किए। मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ हाँ ऐसा बात नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में योगी है और दिल्ली में मोदी, ये दोनों देश के लिए बहुत जरूरी हैं। ममता जी कह रहे हैं कि कलकत्ता से भगा दिया गया। क्या भगा दिया गया? पहले वहाँ दो चार सीट नहीं आती थी, आज के डेट में 7800 सीटें आ रही हैं बताइए बंगाल में। तो बताइए कुछ ना कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? धीरे धीरे सब जगह आ जाएगी। हाँ उसका टेंशन नहीं है, पूरा देश कब्जे में हो जाएगा। हाँ हमारा वोट योगी और मोदी को और बाकी किसी को नहीं। हाँ धन्यवाद, हम चलते हैं काम।